दोस्तों नमस्कार। मेरे पास बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस ये आ रहे थे कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में बात करने के लिए या मैन्युफैक्चरिंग के बारे में, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के बारे में वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आज मैं लेकर के आ गया हूँ कि आप जो है एक बहुत बड़े गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम जानेंगे कंप्लीट प्रोसीजर के बारे में कि किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, कौन सी मशीन चाहिए होता है, इसके अलावा अदर एक्सेसरीज क्या क्या होती है, बिजली कितनी लगती है, और इसके बाद से काम करने के लिए कितने मजदूरों की आवश्यकता होती है, इसके साथ साथ रॉ मटेरियल कैसे होते हैं, कच्चे माल्स को कहाँ से लाए जाते हैं, क्वालिटी कैसे चेक की जाती है, और इसके साथ साथ इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर लागत कितनी आती है, गवर्नमेंट से इसमें आपको क्या बेनिफिट मिल सकती है, और इस कंप्लीट बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको किस किस तरह के लाइसेंस या लीगल डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है, और उसके बाद से प्रॉफिट कितनी होने वाली है, इन तमाम चीजों के बारे में आज के इस वीडियो में जिक्र करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आनंद कुमार, फाउंडर एंड बिजनेस कोच स्टार्टअप अथॉरिटी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टार्टअप अथॉरिटी की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी स्पेस की जरूरत होती है। अगर आपने हमारा पहले दो वीडियोज जो हमने इसके बारे में बना रखी, अगर आपने नहीं देखा है तो ये आई बटन जो दिख रहा है यहाँ पे ऊपर, इस पर आप जा करके देख सकते हैं, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगी। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट है थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में बहुत कुछ इन्वॉल्व होगा जो कंप्लीट गारमेंट फैक्ट्री के ए टू जेड सारे प्रोसीजर के बारे में जिक्र किए जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इस बिजनेस को, गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितने स्पेस की जरूरत होने वाली है। तो दोस्तों आमतौर पर 1500 से 3000 स्क्वायर फीट की जरूरत होगी, क्योंकि अगर आप इसमें ज्यादा प्रोडक्शन यूनिट यानी ज्यादा कपड़ों का प्रोडक्शन करना चाहते हैं तो कम से कम इतने स्पेस की जरूरत होगी। लेकिन ये भी इस बात पर डिपेंड करता है कि अगर आपका प्रोडक्शन क्वांटिटी कम है तो आप इससे कम में भी इस बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरा, वो होता है सबसे जरूरी चीज, और वो होता है मैन्युफैक्चरिंग का, ये होता है मशीनरी के बारे में। तो अगर मशीनरी की बात करें तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहला जो मशीन होता है वो होता है सिलाई मशीन। इसमें भी सिंगल धागे सिलाई मशीन की जरूरत होती है जो मोटर ऑपरेटेड होता है, ये आप ले सकते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप इसी के साथ लेकर के शुरू करें, क्योंकि इसकी जो रेंज आती है, प्राइसिंग रेंज आती है, वो 15,000 से 25,000 के रुपए के बीच में आती है। तो आप इससे कम में भी मशीन लेकर के इसकी शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि ये मोटर वाला होता है तो हाई प्रोडक्शन चाहिए होगा तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसके बाद जो दूसरी मशीन आती है दोस्तों, वो होता है डबल सिलाई मशीन। इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि आप गारमेंट के कई सारे कपड़ों के जब निर्माण करेंगे, डिफरेंट तरीके के कपड़ों का यूज़ करेंगे, तो डबल सिलाई मशीन की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसका जो रेंज आता है, प्राइसिंग आती है, ये आती है 45,000 से लेकर के 55,000 रुपये के बीच में। इसके बाद से दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कटिंग मशीन के बारे में, क्योंकि अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप किसी टेलर शॉप पे जाते हो तो वो क्या करता है कि कपड़ों का एक एक करके दो दो कपड़ों की कटिंग करता है। लेकिन जब आपको ह्यूज प्रोडक्शन करना होता है, बल्क में प्रोडक्शन करना होता है, तो यहाँ पर कपड़ों को कट करने के जो थान होते हैं कपड़ों के, उसको कट करने की मशीन अलग आती है। तो एक बार जब आपके पास डाई तैयार हो जाता है, जब आपके पास मेजरमेंट रेडी हो जाता है, तो आप उस मशीन के जरिए डायरेक्ट जो है कटिंग कर सकते हैं, जैसा कि इस स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है। आपको एग्जैक्ट फॉर्मेट में आपको ये काम करना है, और इस मशीन की जरूरत जो है वो आपको पड़ने वाली है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों, ये होता है ओवरलॉक सेफ्टी इंटरलॉकिंग मशीन। ये भी एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो भी कपड़े आते हैं, जैसे सूती से रिलेटेड जो कपड़े आते हैं, उसमें इंटरलॉकिंग की जरूरत जो बहुत ज़्यादा पड़ती है। इवन जो लेडीज़ कपड़े आते हैं, वहाँ पे मैक्सिमम इंटरलॉकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में आप इसको भी ले सकते हैं, और इसकी प्राइस रेंज जो होती है वो 40,000 से लेकर के 70,000 रुपये के बीच आता है। और अगर आप इससे कम में भी चाहेंगे तो मार्केट के अंदर अवेलेबल हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो बटन्स लगाई जाती है शर्ट्स के अंदर, जो बटन्स लगाई जाती है, उसके लिए भी मशीन होता है, जिसको बोला जाता है बटन होल मेकिंग मशीन। जो बटन्स की जगह पर जो होल करे जाते हैं, जहाँ पर ये बटन्स लगाए जाते हैं, इन
को कटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट मशीन आती है दोस्तों, वो होता है बटन स्टिचिंग मशीन, जो बटन्स को आपके शर्ट्स के अंदर या फिर आपके क्लोथ्स के अंदर बटन को स्टिच करने में ज़रूरी होता है। तो इसको भी आप ले सकते हैं, 60,000 से 80,000 रुपये के रेंज में ये मशीन आती है। इसके बाद बात आती है दोस्तों कि ये मशीन होता है हॉट फुशिंग मशीन। इसका काम क्या होता है कि जैसे आपके जो कपड़े, जैसे कि ये कॉलर्स हो गए, इसके नीचे जो कपड़ा लगता है उस कपड़े को बनाने के लिए जो मशीन इस्तेमाल किया जाता है उसको बोला जाता है हॉट फुशिंग मशीन। इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ इन कपड़ों को मोटेपन, जैसे इस कपड़े को टाइट करने के लिए, एम्ब्रॉयडरी वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, और ये होता है सबसे ज़रूरी, और ये होता है कंप्यूटराइज एम्ब्रॉयडरी मशीन। इसका इस्तेमाल जनरली किया जाता है जहाँ पर आप जो है कंप्यूटराइज मेथड से, जैसे कि कंप्यूटर के द्वारा आप इसको ऑपरेट करना चाहते हैं या सिलाई को हैंडल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये जो है यही मशीन आपको चाहिए होगा। ये सारी चीज़ें, सारी मशीनें जो आज के इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ, वो सारे के सारे मशीन जो है ये हाई प्रोडक्शन यूनिट के लिए बनाए जाते हैं, लिए जाते हैं। लेकिन अगर आप इसे कम रेट में भी मशीन लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद से मशीन आती है दोस्तों, वो होता है गारमेंट वॉशिंग मशीन। क्योंकि जब एक बार आपकी कपड़ों की सिलाई हो जाती है, उसके बाद से उस कपड़ों को प्रोडक्शन में भेजने से पहले, मार्केट में भेजने से पहले इसके वॉशिंग की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर आप वॉशिंग मशीन ले सकते हैं। वॉशिंग मशीन भी कई तरह के हो सकती है, और इस वॉशिंग मशीन के बाद से कपड़ों को सुखाना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो कपड़ों को सुखाने के लिए आप उसको हवा में या बाहर नहीं फेंक सकते, तो उसको सुखाने के लिए ड्रायर मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरीके से ये सारे मशीन जो होती हैं वो आपके लिए ज़रूरी हो जाती है जब आप बड़े लेवल पर बिजनेस की शुरुआत करते हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी का क्या रोल होता है। तो जितनी भी मशीनें आपने देखी है उसमें बहुत सारी मशीनें ऐसी थी जिन मशीनों में इलेक्ट्रिसिटी की खपत बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर मैं पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या पूरी फैक्ट्री की बात करें जिस फैक्ट्री में आप इसको बनाने जा रहे हैं, तो 200 से 300 स्क्वायर फीट के जगह में जो लगने वाला है वो जो है 17 किलोवाट तक के लोड जो है वो अप्रॉक्स लगने वाला है। ये बहुत बड़े लेवल के प्रोडक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, फिर से मैं आपको एक बार बता देना चाहता हूँ। अब हम बात करते हैं कि इसके अलावा कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है, यानी एक्स्ट्रा मशीनरी कौन सी ज़रूरत होती है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक स्टीम आयरन की जरूरत पड़ती है, जो आयरन के लिए हो जाता है। आयरनिंग टेबल की जरूरत पड़ती है जहां पे आप जो है इसको आयरन करेंगे, और आयरन करने के बाद से आपको एक वर्किंग टेबल की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि जहां पर आपके मैप को फॉर्मेटेड किया जाएगा या मैप को डिजाइन किया जाएगा वहां पर जरूरत पड़ेगी। कटिंग के लिए आपको टेबल की जरूरत पड़ेगी, तो इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको हैंगर्स चाहिए, बीन्स चाहिए, रैक्स चाहिए। इसके अलावा स्पेयर पार्ट्स में आपको जो उसके सामान होते हैं, जैसे ऑयल्स हो गए, निडल्स हो गए, इन तमाम चीज़ों को रख रखाव करने के लिए एक व्यवस्था आपको बनाना पड़ेगा। तो ये हो जाता है एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इस कम्प्लीट बिजनेस को सेटअप करने के लिए आपको कितने एम्प्लाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये एम्प्लाई भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें सबसे पहले जो ज़रूरत होती है, रोल बाय रोल की अगर बात करें दोस्तों, तो यहां पर अगर आप जो है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कर रहे हैं तो यहां पर सिलाई करने के लिए कम से कम 10-15-20 बंदों की जरूरत पड़ सकती है। प्रेस करने के लिए आयरन मैन, दो आयरन मैन चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, उसको अकाउंटिंग के लिए बंदे चाहिए, इसके अलावा स्टोर कीपर चाहिए और हेल्पर चाहिए। तो इस तरह से कंप्लीट अगर देखा जाए तो कंप्लीट अगर बड़ा सेटअप करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको जो है कम से कम 30 से 35 लोगों की ज़रूरत जो है आपको पड़ने वाली है। आप एक बड़े लेवल पर अगर आप इसका मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, मैं आपको फिर से बताता हूँ, छोटे लेवल मैन्युफैक्चरिंग के लिए मैंने ऑलरेडी दो वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए रॉ मटेरियल कौन सी ज़रूरत होती है। तो रॉ मटेरियल में जो सबसे पहला रॉ मटेरियल आता है वो होता है क्लॉथ। तो क्लॉथ्स को आप लेने के लिए आप जो है बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास लॉट के लॉट जो है क्लॉथ की ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद से आपको धागे की ज़रूरत पड़ेगी, बटन्स की ज़रूरत पड़ेगी, जिप की जरूरत पड़ेगी, बकरम की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा पैकेजिंग मटेरियल की बात करें तो पैकेजिंग मटेरियल में कपड़ों को पैकेज करने के लिए आपको जो है प्लास्टिक की जरूरत पड़ेगी, प्लास्टिक बैग की जरूरत पड़ेगा, और वॉशिंग वगैरह के लिए डिटर्जेंट की जरूरत पड़ेगी। तो ये एक कंप्लीट
जो है रॉ मटेरियल है जिसकी आपको इस इंटायर बिजनेस के अंदर जरूरत हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने के लिए क्या प्रोसेस होता है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने वीडियो में देखा कि सबसे पहले कपड़े को आने के बाद से उस कपड़े की क्वालिटी चेक की जाती है, यानी हम चेक करते हैं उस कपड़े को कटिंग करने से पहले कि वो जो लॉट है वो सही है या नहीं है। एक बार जब ये लॉट का डिसीजन निकल जाता है कि ये कपड़े सही है, तो उसके बाद से आपके जो भी डिज़ाइन होती है, जो डिज़ाइनर के द्वारा तैयार किया जाता है, उस डिज़ाइन के बेसिस पर कपड़े का डिज़ाइन तैयार किया जाता है और उस डिज़ाइन के बेसिस पर आपको कटिंग शुरू हो जाती है। और कटिंग होने के बाद से ये जो कटिंग कपड़े हैं ये पहुंचा दिया जाता है जो स्टिचिंग करने वाले बंदे हैं उनके पास। और एक बारी जब स्टिचिंग हो जाती है तो उसके बाद से फिर जाता है ये प्रोडक्ट क्वालिटी चेक करने के लिए। और क्वालिटी चेक करने के बाद से इसमें टैगिंग किया जाता है, यानी टैग लगाया जाता है, जैसे कि आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हैं। और एक बार जब ये टैग लग जाता है दोस्तों, तो ये जो कपड़ा है ये रेडी टू प्रोडक्शन हो जाता है, यानी मार्केट में पहुँचाने के लिए रेडी हो जाता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि जब कपड़ों की मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है या बन जाता है, तो उसके बाद से हम जो है आगे इसको सेल कैसे कर सकते हैं। तो सेल करने के लिए कई चीज़ें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले शोरूम में आप जो है कपड़ों को बेच सकते हैं। इसके अलावा आप ऑनलाइन सेल जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजन या फिर इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म है, स्नैपडील हो गई, तो इन सारे प्लेटफॉर्म पे, मिंत्रा हो गया, इन सारे प्लेटफॉर्म पे आप इसको लिस्ट डाउन कर सकते हैं। इसके बाद से आप जो है ब्रांडेड शोरूम जैसे ब्रांडेड कंपनियों को भी उनके नाम से रीब्रांड करके आप उनको सप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप जैसे जितने भी सुपर मार्केट्स हैं उन लोगों से कनेक्ट करके और सुपर मार्केट में अपने कपड़े को अवेलेबल करवा सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं दोस्तों, इसके थ्रू जो है आप कर सकते हैं, अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि ये बिजनेस और भी ज्यादा ग्रो करे, तो आप जो है इंडिया मार्ट जैसी पोर्टल्स पे जाके लिस्ट डाउन कर सकते हैं और इन कपड़ों का अच्छा खासा सेल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम बात करें खर्च की, तो मशीन का जो इंस्ट्रूमेंट मैंने बताई है उसमें जो है, जो हमने बताई थी, इस कंप्लीट मशीन को खरीदने के लिए 20 लाख रुपए तक का खर्च हो सकता है। लेकिन आप चाहे तो बहुत कम में, यानी 3 लाख में ही कंप्लीट बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा जो एक्सेसरीज बताई थी हमने, उसमें जो है कम से कम आपका 1 लाख रुपया खर्च करने वाला है। अगर आपके पास जमीन नहीं है और आप किसी से रेंट लेके बना रहे हैं या रेंट लेके काम कर रहे हैं, तो 25,000 रुपये महीना आप इसमें मान सकते हैं। इसके अलावा अगर कच्चे माल की बात करें, तो लगभग 4-4.5 लाख रुपये का कच्चा माल जो है आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। बिजली खर्च के लिए यह है कि आप जो है 30,000 रुपये के करीब में बिजली अगर खर्च होती है, तो ये मोटा मोटी अगर देखा जाए दोस्तों, तो सैलरी जो है वो 3 लाख रुपये महीना देने वाले हैं। और बाकी सब खर्चों को अगर देख लिया जाए, या एक टाइम वन टाइम खर्चों को देखा जाए, तो 50,000 रुपये का पंजीकरण होगा, बिजनेस पंजीकरण जो लीगल डॉक्यूमेंट्स के लिए जरूरत पड़ेगी, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ से भी होती है। आप चाहें तो स्टार्टअप अथॉरिटी पर जा करके और इन सारी चीज़ों को बुक कर सकते हैं और ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी दोस्तों। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि इसमें प्रॉफिट कितना जनरेट होता है। तो आम तौर पर ऐसा देखा जाता है दोस्तों कि जितने भी मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है उसमें अराउंड 15-20% की प्रॉफिट जो है वो जनरेट होती है। और ये प्रॉफिट जो होती है मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद से डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचने की नहीं होती है, ये आपके और होलसेलर के बीच की मार्जिन होती है। तो अगर मान के चलिए कि आपने जो है महीने के अंदर 15 लाख रुपये का जो है आपने इन्वेस्ट किया है या 15 लाख रुपये का माल बेचा है, मैं माल बेचने की बात कर रहा हूँ, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट इज़ डिफरेंट थिंग, वो आपके पास हमेशा रहने वाली है, माल जो है वो निकलता जाएगा। तो अगर आपने 15 लाख रुपये इन्वेस्ट किया है और इसका 20% कंटिन्यू किया जाए या काउंट किया जाए, तो अराउंड 3 लाख रुपये के तक करीब का प्रॉफिट जो है वो आपको निकल के सामने आता है, ये हो जाती है। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि इससे सरकार इसमें आपको क्या सहायता कर सकती है। तो दोस्तों, जितना भी गारमेंट के बिजनेसेस हैं, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप जो है इसका पूरा का पूरा बिजनेस प्लान बना करके और इसके बेसिस पर बैंक से लोन ले सकते हैं। और दोस्तों, जितना भी इन्वेस्टमेंट मैंने बताई है, उस इन्वेस्टमेंट का 60-80% भारत सरकार जो है वो आपको एज अ लोन प्रोवाइड कर सकती है इस बिजनेस को आप जो है शुरू करने के लिए। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि लीगल डॉक्यूमेंट कौन कौन सी होगी जो आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरत होगी। तो इसमें सबसे पहला लाइसेंस आता है दोस्तों, वो होता है फैक्ट्री लाइसेंस। इसके अलावा जो है आपको जिला के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उद्योग केंद्र होते हैं वहां से आपको परमिशन लेना पड़ेगा।
इसके बाद से इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट से आपको जो है कनेक्शन जो है वो कमर्शियल कनेक्शन लेना पड़ेगा। इसके अलावा GST रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। इसके अलावा फायर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, क्योंकि आप जब कपड़े के बिजनेस कर रहे होंगे तो वहाँ पे आपके जो कपड़े हैं वहाँ पे किसी भी तरह की फायर से रिलेटेड प्रॉब्लम ना हो, इसलिए आपको फायर से रिलेटेड उपकरण की जरूरत पड़ेगी। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। लेबर लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके यहाँ जो है बंदे काम करने वाले हैं। और अगर आप जो है हमारी कंपनी से रजिस्ट्रेशन करवाते हैं अपनी कंपनी का, तो यहाँ पर ESI, PF और इस सब से रिलेटेड जो चीज़ों की जरूरत होगी वो अपने आप जो है ऑटोमेटिक फ्री में आपको मिल जाएगी। तो ये सारे रिक्वायरमेंट है जो आपको ज़रूरत पड़ने वाली है, और इस तरह से आप जो है अपने बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और कुछ समय के अंदर आप डिसेंट इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होगा तो इस वीडियो में जरूर बताइएगा। अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल को विजिट कर रहे हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह की वीडियो जब भी आती है सबसे पहले आप तक पहुँचाया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।